वीडियो में हमने पढ़ा था पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन के पैटर्न में पढ़ा था किशोरावस्था जुवेनाइल फेज, परिपक्वता अवस्था और वृद्धावस्था, और आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन के समय होने वाली घटनाएं। तो उसमें तीन है, पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरी है निषेचन या संयुग्मन अर्थात फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, और तीसरा है निषेचन पश्य घटनाएं अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इनको हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात निषेचन के पहले जो घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन। तो इसमें दो भागों में बच्चे इसको डिवाइड किया है, पहला है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। पहला जो है युग्मक जनन, वो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जीव जो है वो द्वि उसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित रहती है तो युग्मक जनन के पश्चात ये द्विगुणन से घट करके एन हैप्लॉयड अर्थात आधी रह जाती है, और युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है उसको गैमिटोजेनेसिस भी कहते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आता है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जनरली युग्मक दो प्रकार के होते हैं, पहला नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक नर जीवधारी के शरीर में और मादा युग्मक जो होता है वो मादा जीवधारी के शरीर में निर्मित होता है। अगर हम युग्मकों की प्रकृति को देखें तो ये अगेन दो प्रकार के हो जाते हैं, पहला होता है आइसोगैमिट अर्थात समयुग्मकी। आइसोगैमिट का अर्थ है ये युग्मक एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखने में होते हैं। यहाँ देखो ये शैवाल है, इसके दो युग्मक हैं, ये दोनों देखने में कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे। इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है लेकिन देखने में एक जैसे हैं, इसलिए इनको आइसोगैमिट या समयुग्मकी कहते हैं। दूसरा है हमारा विषम युग्मकी या हेटरोगैमिक। ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है इसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक ये देखने में भी अलग अलग दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे ये शुक्राणु और ये मादा युग्मक अंडाणु दिखाई दे रहा है। अब जब जीवधारी के शरीर में युग्मक का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो गैमिट ट्रांसफर कहलाती है या युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। जीवधारी के शरीर में युग्मकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। हर जीव में अलग अलग होती है लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उसमें कुछ लोग विभिन्न माध्यमों के द्वारा भी युग्मक स्थानांतरण की क्रिया करते हैं, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा और कीट द्वारा। इसी प्रकार अनेक विधियों को हम देखते हैं। अब चलिए देखते हैं हम निषेचन पूर्व की घटना के बाद निषेचन और सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मकों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संयोजन होता है उसे निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। कि जो प्रक्रिया आपस में इनके संयोजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ये भी बच्चों दो नंबर के क्वेश्चंस में आती है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन की वह अवस्था जहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब निषेचन जो होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, तो जैसे इसमें हम कहेंगे निषेचन क्रिया स्थल यानी निषेचन का क्रिया स्थल कैसा है उसके आधार पर डिपेंड करता है, इसको कहेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये किस प्रकार से होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, पहला है बाह्य निषेचन, कौन सा हो गया पहला बाह्य निषेचन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। अगर हम बाह्य निषेचन की बात करें तो ये प्रायः छोटे जीव, निम्न श्रेणी के जीव, साथ ही साथ शैवाल, मछलियों, उभयचर यानी एम्फीबियंस, इनमें होता है,
और इसमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो जीव शरीर के बाहर होती है, मतलब जीवधारी के शरीर से बाहर माध्यम में की जाती है। इस विधि में बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस करता है कोई भी जो बॉडी है, रिस्पेक्टिव बॉडी बहुत सारे गैमेट्स या युग्मक बनाती है। वो क्यों बनाती है ये क्वेश्चन भी आता है। तो बहुत सारे नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि बाह्य निषेचन के फलस्वरूप कोई भी वातावरण की प्रतिकूलता, कुछ परभक्षी परजीवी उनके गैमेट्स को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक संख्या में अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं। आंतरिक निषेचन वह क्रिया है जिसमें जो युग्मक का जो ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है वो जीव के शरीर के अंदर होता है। इसमें जनरली प्रोबेबली जो मेल होता है वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विशेष ऑर्गन के द्वारा अपने जो मेल गैमेट्स हैं उनको मादा के शरीर के अंदर प्रतिस्थापित करता है। तो आंतरिक निषेचन जो हो गया उसकी अगर हम देखें तो जीव के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन जो है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसका उदाहरण है सरीसृप, पक्षियों, स्तनियों में इस प्रकार का आंतरिक निषेचन पाया जाता है। पौधों में अगर हम देखें तो पौधों के अंतर्गत ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं वो सभी आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को कार्य रूप में परिणित करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है निषेचन पश्य घटनाएं, अर्थात जब युग्मकों का संयोजन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही एक नए जीवधारी के आकार और जन्म लेने की प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात निषेचन पश्य की घटनाएं। इसके अंतर्गत दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है युग्मनज निर्माण और दूसरा है भ्रूणोद्भव अर्थात एम्ब्रियो जेनेसिस। अगर हम युग्मनज की बात करें बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं युग्मज और युग्मनज। तो युग्मज जो होता है वो गैमीट कहलाता है और युग्मनज चूंकि वर्ड कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो युग्मनज जो होता है वो जायगोट कहलाता है। अर्थात युग्मज जो है जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों कैसे रहते हैं, आगुणित संख्या में रहते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, अर्थात एन और एम गुणसूत्रों की संख्या रहती है। जब इनमें संयोजन अर्थात फ्यूजन होता है उसके बाद इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n अर्थात द्विगुणित हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाते हैं क्रोमोसोम और वो जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट या युग्मनज बनने को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुग्मन करते हैं उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होती है रचना उसे जायगोट या युग्मनज कहते हैं। और इसमें जो होता है बच्चों यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड या 2n हो जाती है और इसमें ही सेल डिवीजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, साथ ही साथ कोशा विभन्नन अर्थात सेल डिफरेंशिएशन भी चालू हो जाता है कि जायगोट में से कौन सी कोशिका शरीर के जीवधारी के शरीर का कौन सा हिस्सा बनने जा रही है। इसी बीच में महत्वपूर्ण जेनेटिक जो है चेंजेस उसमें भी पाए जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, पेरेंटल कोशिकाएं जो रहती हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से होने वाले जीव में अपने प्रभाव को स्पष्ट कर देती हैं। अब जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट जो है आगे इम्प्रूव हो करके आगे कई बार मल्टीपल सेलुलर डिवीजन होने के बाद में वो एम्ब्रियो का निर्माण करता है जिसको कहते हैं भ्रूणोद्भव अवस्था। भ्रूणोद्भव अवस्था को हम एम्ब्रियो जेनेसिस भी कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है उसे भ्रूण विज्ञान कहा जाता है या इंग्लिश में एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। बच्चों ये जो शाखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस शाखा के माध्यम से अर्थात भ्रूणों के विकास और संरचना को देखने के माध्यम से हमें जैव विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अब जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो जीव के जन्म लेने के अवस्था के आधार पर भी जीवों को दो भागों में बांटा गया है,
पहला है ओविपेरस और दूसरा है विवीपेरस। ओविपेरस जैसा कि नाम से स्पष्ट, ओवी यानी ओवा अंडा, तो जो अंड प्रजक, जो अंडों के द्वारा, वे जीव जो अंडों से अपने जीव की उत्पत्ति करते हैं उसे अंड प्रजक या ओविपेरस कहा जाता है, जैसे कि चिड़िया वगैरह आप देखते हैं। दूसरा है सजीव प्रजक, दूसरा हो गया सजीव प्रजक, अर्थात उसको कहते हैं विवीपेरस, अर्थात वे जीव जो प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा अपने जीव को जन्म देते हैं वो विवीपेरस कहलाते हैं। तो बच्चों ये था हमारे मतलब जीव विज्ञान में लैंगिक प्रजनन की घटनाओं का समुचित विवरण। कोई भी जीव हो अगर वो लैंगिक प्रजनन की अवस्था से गुजरता है तो जो बताया है मैंने इन वीडियोस में, इन्हीं अवस्थाओं से होकर के लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा नए जीव का जन्म होता है। तो बच्चों आज हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन वाला अध्याय यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तब तक आप इनको बहुत अच्छे से देखें, समझें और नोटबुक में नोट करें।